तो गाइज अगर कोई काम किया जाए और अगर सही तरीके से किया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अगर फेशियल की, तो बहुत सारे लोग कुछ इस डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, इस डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, इस डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, इस डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। तो कौन सी डायरेक्शन सही है, क्या कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। गाइज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में, फिर उसके बाद करेंगे एक्यूप्रेशर्स के बारे में। तो फेशियल एक्सरसाइजेस में क्या आता है कि आपको सबसे मेन काम यही है कि आप डायरेक्शन को अच्छे से पहचान लें। दिमाग में रखने वाली चीज़ ये है कि आपको जब भी एक्सरसाइज करनी है, फेशियल करना है, मसाज करना हो, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का याद रखना है, वो है डायरेक्शन। वो है कि आप जाएंगे अपवर्ड और आउटवर्ड, अपवर्ड आउटवर्ड। जब भी आपको फेशियल मसाज करना है आपको अपवर्ड और आउटवर्ड कुछ इस तरीके से करना है, इस तरीके से अपवर्ड आउटवर्ड, अपवर्ड आउटवर्ड। ये टेक्निक आप समझ लेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। इस टेक्निक से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे ग्लो आएगा, जिससे जो भी हमारे स्किन के अंदर जो भी जगह रह जाती है वो फिलन हो जाएगी और लाइंस और रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। चलिए गाइस एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं अपने फेस को कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, वो है फर्स्ट ये, सेकेंड है ये, एंड थर्ड पॉइंट है ये। तो मैं आपको पार्ट वाइज में आपको एक्सरसाइज करना दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या चीज़ के साथ आप एक्सरसाइज करें। तो यहाँ पे मेरे पास है ये डाबर का बादाम का तेल, आमंड ऑयल है, आप कोई सा भी कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं या आप कोई और ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक विटामिन ई का कैप्सूल भी है, तो उसको सबसे पहले मैं पिंच कर लूँगी, या मैं इसका टॉप जो है वो कट कर दूँगी और सारा जो ऑयल है वो अपने हाथों में ले लूंगी मैं, और उसको पॉइंट वाइज लगा लूंगी। पहले हमें यहां पे लगा के इसकी एक्सरसाइज करनी है, इस पॉइंट की। तो हमें इस पॉइंट की एक्सरसाइज किस करनी है हमें, अपवर्ड आउटवर्ड, अपवर्ड आउटवर्ड। तो इस तरीके से हम आप इसको बहुत ज़्यादा टाइटली मत कीजिएगा, हर्ट आपको ही होगा। हल्का फुल्का रेड होगी स्किन तो वो चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस पार्ट की, आमंड ऑयल। आप इसको मिक्स करके भी ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल ही लिया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले चीक्स पर लगा लेती हूँ। मैं आपको सबसे पहले चीक्स की एक्सरसाइज बताऊँगी। तो चीक्स के एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से करना है, अपवर्ड आउटवर्ड। और हमारी लाफिंग लाइंस के लिए हमें सिर्फ ये करना है कुछ इस तरीके से, ताकि जब हमारी इसके इस तरफ जाए तो वो लाइंस खत्म हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नोज की एक्सरसाइज के लिए। नोज की एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट करना है अपने नोज के बीच में, और यहाँ पे करके ऐसे कर देना करना है, या आप ऐसे हाथ लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। आई की एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले हम अंडर आई एरिया को पॉइंट करेंगे। तो अंडर आई एरिया के लिए हमें यहाँ पे लगाना है ऑयल और यहाँ पे लगाना है।
तो कुछ इस तरीके से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं इसकी, जिससे आपकी अंडर आई की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी आईज पे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस हेड पार्ट की। तो उसके लिए मैं फिर से अगेन थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ अपने पाम पर, फिंगर टिप की हेल्प से मैं यहाँ पे फोर हेड पे ऑयल लगा लूँगी। तो यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, हमारी लाइन्स कुछ इस तरीके से होती हैं, कुछ इस लाइन से। तो हम हमारे फोर हेड को इस तरफ थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, जिससे कि हमारी स्किन इस तरफ खिंच जाए। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइसेस योर्स। या आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लग रहा है? कर लेते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, जिन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू आप अपनी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को कम कर सकते हैं और ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इस पार्ट के बारे में। इस पार्ट में सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखने की चीज़ है वो है यहाँ पे, इस जगह को हमें थोड़ा सा पिंच करना है और हमारा इस पार्ट का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर आता है हम इस वाले पार्ट पे, अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले आता है ये पॉइंट। आप इस पॉइंट को पिंच कर सकते हैं और फिर उसके बाद आते हैं हमारे आईज एरिया की या ब्राउ एरिया का। तो आईज एरिया का आप एक तो इस पॉइंट को आप पिंच कर सकते हैं, ताकि ये यहाँ की जो फाइन लाइन्स हैं या इस तरफ जो है वो ग्लो भर जाए, फाइन लाइन्स कम हो जाए, रिंकल्स कम हो जाए। और एक होता है ये अंडर द आई, नोज़ के लिए यहाँ पे होता है, अंडर द आई के लिए यहाँ पे होता है, कुछ इस तरफ आपके आई के इस पॉइंट पे। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे फोर हेड के बारे में। तो फोर हेड पे सिर्फ हमारा ये जो पॉइंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए। सिर्फ ग्लोइंग स्किन के लिए ही नहीं, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी कम हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट से सही हो जाता है। गाइस, जो जो आपको डायरेक्शन या टेक्निक्स बताई गई हैं इस वीडियो में, आप फेशियल मसाज में ही नहीं, वो आप जब भी अपना फेस क्लीन करें आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बी ग्लैमरस।